हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम इम्पॉर्टेंट डेज विद थीम्स तो देखेंगे दिसंबर 2018 से लेके जून 2019 तक। यह जो थीम्स है ये पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और जो थीम्स हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जून 5, दोस्तों जैसे आपको पता है जून 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इसका जो थीम है वो है बीट एयर पॉल्यूशन। May 22nd यह हमारा है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसकी थीम थी आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ। दोस्तों, जो थीम है ये 2019 ईयर की थीम है, तो जिस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है अपकमिंग नेट एग्जाम के लिए। May 15 इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज इसकी थीम है फैमिलीज एंड क्लाइमेट एक्शन फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 की एक अलग टॉपिक में वीडियो जल्दी बनाऊंगा। May 11 नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसकी थीम है साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। April 22nd एनुअल अर्थ डे, और इसका थीम था दोस्तों प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज। April 7th वर्ल्ड हेल्थ डे, इसका थीम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। March 23rd वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, द सन द अर्थ एंड द वेदर। March 20th वर्ल्ड स्पैरो डे, इसकी थीम थी आई लव स्पैरोज। March 3rd वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और जिसकी थीम थी लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। February 2nd दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है पेपर वन में, तो आप दोस्तों इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, इस थीम को आप याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट थीम है, इस इम्पोर्टेंट थीम और डे दोनों है ये। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इसका जो थीम है ये हमारा है वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। December 5th वर्ल्ड सॉयल डे, ये हमारा 2018 की थीम है बी द सॉल्यूशन टू द सॉयल पॉल्यूशन। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और कुछ और टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।